हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन विद दिशा। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सा पीकॉक आर्ट बोतल के ऊपर करने वाले हैं, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी है। इसे बना के आप अपने घर के डाइनिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया, किसी भी जगह पे डेकोर कर सकते हैं, अपने होम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास का बॉटल लिया है इस तरह का। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बेस कोट वाइट दे दिया था। अब मैं यहाँ पे ब्राउन कलर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्राउन कलर जो अभी लगा रही हूँ, वो बाद में मैं उसको, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था तो मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो ये बेस कोट जो वाइट है वो ही रख सकते हैं। तो अब पूरा ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की मदद से, या तो चॉक वगैरह किसी भी पेंट की मदद से, हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे पीकॉक। हम जिस तरह की डिज़ाइन कर रहे हैं उसे हमें पहले यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि हम जो क्ले यहाँ पे लगाएंगे वो इजीली इसके शेप के ऊपर अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाते जाएँ। तो सबसे पहले आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से यहाँ पे पीकॉक की किसी भी तरह की डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले लिया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप उधर से इजीली परचेस कर सकते हैं। ये दो अलग अलग होते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। जब तक ये वाइट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आप इसे स्मूथ करते रहिए, ताकि वो अच्छे से इसका टेक्सचर हो जाए और इजीली अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे आप किसी भी ग्लू की मदद से यहाँ पे हमने जो पीको की डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर आप धीरे धीरे शेप देके उसको चिपकाते जाइए। चिपकाने के लिए आप ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी भी लगा सकते हैं, इस तरह से उंगलियों से भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे मोर के पंख, यानी कि इसके पंख बनाने के लिए छोटी छोटी पत्तियों को हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक इस तरह शेप दिया है, और उसको मैं किसी भी राउंड चीज़ की मदद से इस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी, और आप किसी भी नाइफ वगैरह की मदद से डिटेलिंग कर सकते हैं। क्ले की सारी जो डिटेलिंग हम इस तरह से करते हैं, तो उसे हमें जब क्ले थोड़ा सा गीला होता है तभी हमें करना होता है। ये सूखने के बाद इसके ऊपर कोई हम डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फेदर जैसा क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम 15-20 पत्तियाँ इस तरह से रेडी कर लेंगे, और ग्लू की मदद से यहाँ पर हम चिपका देंगे। तो इस तरह से सभी फेदर्स को हमने यहाँ पे चिपका दिया है। अब मोर पंख की जो भी थोड़ी सी डिटेलिंग बची है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हमारा पीकॉक बिल्कुल रेडी है। उसकी बैठने की डाल हम बनाएंगे, यानी कि पेड़ की डाल जैसा हम कुछ यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्ले की मदद से। उसके ऊपर हम थोड़ी सी छोटी छोटी पत्तियाँ भी लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे अब कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सुखाने के लिए छोड़ देंगे। यह अब पूरी तरह से सूख चुका है। 3-4 घंटे के बाद ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके ऊपर हम यहाँ पे अब एक्रेलिक कलर से उसे पेंट करेंगे।
तो पंख का पेंट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने फेदर के ऊपर यानी कि पंख के ऊपर ब्लैक एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है। उसके ऊपर मैं यहाँ पे ग्रीन ब्लू और लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन लगाऊंगी ताकि जैसा एक रियल पीकॉक के ऊपर उसके फेदर के ऊपर इफेक्ट होता है वही यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस करके एक्रेलिक कलर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल रियल फेदर जैसा ही लगेगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने किया तो ये एकदम रियल फेदर जैसा ही लग रहा है। अब यहाँ पे बीच में जो राउंड हमने शेप दिया था पेन की मदद से, उसके ऊपर यहाँ पे हम ब्लू डॉट्स कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पंख को पेंट कर दिया है। अब यहाँ पे हम उसकी पूरी और जो डिटेलिंग है पेंटिंग की वो हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हम जो ये पंख है उसको हाईलाइट करने के लिए 3D आउटलाइनर कोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यानी कि लाइट ब्राउन और कुछ स्पार्कल जैसा ब्राउन कलर है उससे मैं यहाँ पे 3D आउटलाइनर कोन से उसे थोड़ा हाईलाइट करूँगी ताकि हम जब बोतल को यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे तो उसके पंख है वो थोड़ा से हाईलाइट हमें दिखने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये पंख हमने हाईलाइट कर लिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगी क्योंकि मुझे ये पूरा कंप्लीट होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने वाइट कलर बेस कोट दिया होता, जो पहले हमने बेस कोट वाइट रखा था वही मैंने यहाँ पे रखा होता तो बेटर था। मैंने उसके ऊपर ब्राउन किया था लेकिन आप ये टोटली ऑप्शनल है, ब्राउन रखे तो ब्राउन भी रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच लग रहा था इसीलिए मैंने उसके ऊपर फिर से वाइट कलर दे दिया है, जो हमने बेस कोट दिया था बाकी के जो हमने फेदर वगैरह उसको छोड़ के जो भी बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे वाइट कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ इसका ये जो लुक है वो एकदम ही चेंज हो गया है, ये एकदम खिल के आ रहा है। अब इसे हम प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वार्निश अप्लाई करेंगे। वार्निश अप्लाई करने से हमें जो कलर किया है ये एकदम लंबे टाइम तक टिकते भी हैं और अच्छे से इसकी शाइनिंग भी होती है। तो इस तरह से आप वार्निश ज़रूर अप्लाई करें एंडिंग में। तो यहाँ पे हमने पूरे में वर्निश अप्लाई कर दिया है और इस तरह से हमारा बोतल रेडी हो चुका है। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। हमारे घर में कांच की बोतलें होती ही है, मैगी सॉस वगैरह में आती हैं तो उसको हम फेंक देते हैं, उसे इस तरह से आप रीयूज़ करके एक बहुत ही अच्छा सा होम डेकोर पीस बना सकते हैं। इसे आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में एज ए गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे न्यू वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और चाहे तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।